तो देखिए इतिहास तो हमने रच दिया और आपको बताते हैं कि कितना विशेष है ये, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है 2023 में इस प्रकार का ऑस्कर जीतना। भारत के नाम ऑस्कर्स में अब दो अवार्ड दर्ज हो गए हैं, अपने आप में इतिहास हो गया है। 2023 बहुत शुभ हुआ है। नाटू नाटू बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नॉमिनेट हुआ था जिसको अवार्ड दिया गया है बाकायदा। साथ ही साथ गाने को MM कीरावानी किया है कंपोज, इसी के कारण वहां पर वो पहुंचे, उन्होंने अवार्ड सेरेमनी में हिस्सा लिया और इस परफॉर्मेंस को भी उन्होंने लाइव देखा। इस प्रकार से ये अवार्ड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। काला और सिपली गुंज ने ये गाना लिखा है और ये इसके बोल भी बहुत शानदार हैं। साथ ही साथ आपको बताते द एलिफेंट विस्पर्स बनी है बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तीन कैटेगरी में हम नॉमिनेट हुए थे, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। तो बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में भी द एलिफेंट विस्पर्स ने ये अवार्ड अपने नाम दर्ज कर लिया, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल, आज जो है यहाँ पर इतिहास जरूर रच दिया गया है क्योंकि भारत की झोली में यहाँ पर दो ऑस्कर अवार्ड यानी ऑस्कर 2023 पर भारत का पूरी तरीके से यहाँ पर बोलबाला यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए, गीतकार चंद्र बोस की पत्नी सुचित्रा चंद्र बोस ने ऑस्कर अवार्ड समारोह को टीवी पर देखा, नाटू नाटू का ऐलान होते ही वो भी भावुक हो गए। I feel very proud, sir, to see our Kiravani garu and Chandra Bose garu receiving it. The most proudest moment of my life. इतना अप्रिशिएशन मिला है हमारी पिक्चर को। नाटू नाटू तो सॉन्ग आप देखेंगे, इतने मेरे ख्याल से जब से रिलीज हुई है पिक्चर तब से जो इंडिया के अलावा भी जो है अब्रॉड में भी उसको इतना अप्रिशिएशन मिला है, हर जगह हर तबके के लोग जो उसको, मैंने हमेशा कहता हूं कि जो आर्ट होती है, जो कला होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। और आज मेरे ख्याल से ये साबित होता है कि अच्छा कंटेंट, अच्छा गाना है जो रिलेट करता है और ऑस्कर आज मिला। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा पूरे RRR टीम को, राजा मौली सर को, केरवानी सर को, वन ऑफ माई फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर है वो, और बहुत ही अच्छा बधाई दूंगा पूरी टीम को और गुनीत मुंगा जी को कि उन्होंने एलिफेंट विस्पर्स के लिए भी उनको ऑस्कर मिला।